और इसके बाद माई फेस इज गोइंग टू बी स्वोलन फॉर 3 days. हाउ इज योर फेस ऑन योर नेक? Welcome back to another episode of Hustle with Sarah. You and I, we hustle together. It's the weekend. It's Saturday hai, but it's a very chilled out weekend. Ye bahut hi lamba weekend hai. Raksha Bandhan, Parsi New Year, Independence Day, everything is there. For the first time ever, even I have taken like off and chutti, and itna kaam bhi nahi hai. And I've told the team also to take off and you know just relax and all. After 100 grams ka launch, वैसे भी काफी काम था. So everyone's like on a down low and we are not doing anything active as such. Tuesday tak, so I decided to go get my skin treatment done. अभी अगर आप मेरे व्लॉग्स यहाँ वहाँ कहीं उठा लिया होगा, आई हैव डन लाइक केमिकल पील एंड दिस एंड दैट एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर माई एक्ने. जब मेरे एक्ने बहुत बुरे हो गए थे डिसम्बर के आसपास, सो फ्रॉम आई थिंक अप्रैल आई स्टार्टेड माई ट्रीटमेंट एंड आई हैव गॉन टू डिफरेंट डर्मेट्स. ऐसा एक डॉक्टर के साथ आई डिडंट स्टिक अराउंड एंड कंप्लीट माई ट्रीटमेंट. टुडे दैट आई एम गोइंग टू अ न्यू डर्मेट, आई एम गोइंग टू द थर्ड डर्मेट इन दिस ट्रीटमेंट प्रोसीजर. तो ये पूरा जो मेरा जर्नी था ना एक्ने टू एक्ने मार्क्स एंड एवरीथिंग, उसका एक मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको पूरा बताऊंगी कि हाउ आई टुक वॉट डिसीजन और मेरी स्किन पे क्या असर किया, क्या नहीं असर किया. बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल फेस एक्ने, इतना कॉमन इश्यू हो गया. बेसिकली अगर आप देख सकते हैं, मेरी स्किन माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो गई है. माई स्किन हैज क्लियर्ड आउट विद माई लास्ट डॉक्टर्स ट्रीटमेंट. माई एक्ने हैज कम्प्लीटली बिन टेकन केयर ऑफ एंड आई एम स्टिल ऑन वन मेडिकेशन फॉर इट, बट इट्स नॉट लाइक रेकरिंग एक्ने. अनलेस मुझे पीरियड आता है, मुझे कोई ब्रेकआउट नहीं आता है. ये मेरे लास्ट पीरियड का ब्रेकआउट है जिसने बहुत गंदा मार्क छोड़ा है मेरे फेस पे. बट मेरे जो पुराने थे ना, जो टीनेज वाले एक्ने थे, उसने मेरे फेस पे बहुत खड्डे छोड़े. तो ये जो आपको रेडनेस और इन्फ्लेमेशन और ये जो खड्डे दिख रहे हैं ना, वो सारे मेरे ये चिकन पॉक्स का मार्क है, तो ये तो शायद नहीं जाएगा. बट ये जितनी भी स्कारिंग है ना, वो सब मेरे टीनेज फेस की है. ये साइड पे थोड़े ज्यादा डीप है. जो एकदम डीप खड्डा है वो चिकन पॉक्स है, बट ये छोटे 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 दाने हैं. ऑल ऑफ दोस पिट्स आर बिकॉज ऑफ माई टीनेज एक्ने और थोड़े अभी के और जो भी मैंने ब्रेक किए थे वो सब. सो आई एम गोइंग फॉर अ ट्रीटमेंट प्रोसीजर फॉर दैट. ये मैं पहली बार करा रही हूँ अपनी लाइफ में, सो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट एन एक्सपीरियंस. तो आई थॉट कि मैं आज आप लोग को ये व्लॉग में मेरे साथ लेके जाती हूँ. इसके बाद माई फेस इज गोइंग टू बी स्वोलन फॉर 3 days. सो लॉन्ग वीकेंड आई हैव गिवन एवरीवन काम पे छुट्टी. सो आई थॉट दिस वुड बी लाइक द परफेक्ट डे टू डू इट. आई एम गेटिंग इट डन फ्रॉम डॉक्टर गुरजोत मारवा एंड डॉक्टर मारवा इज लाइक द ओजी. अंधेरी में आई फील लाइक सभी ने डॉक्टर मारवा के ट्रीटमेंट ले रखे कभी ना कभी अपने लाइफ में. एंड बचपन में आई यूज टू ओनली गो टू डॉक्टर मारवा फॉर एवरीथिंग. दिस इज हिज सन हु इज डूइंग दिस ट्रीटमेंट. स्कार्स का ऐसा ना गाइस के जितना आप जल्दी करा लोगे उतना बेटर रहेगा. देयर इज नो ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड जो 100% आपका स्कार्स निकाल सकती है. सारे गड्ढे पूरे नहीं भरेंगे. व्हाट ही टोल्ड मी इज आफ्टर 4 sessions, आफ्टर 1 session ओनली असर दिखने लग गया, बट आफ्टर 3-4 sessions 50% ट्रीट हो जाएगा और उससे ज्यादा नहीं हो सकता. तो लाइक ठीक है, अगर 50% भी ठीक हो गया, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. आई कैन रीसरफेस माई स्किन. इट्स नॉट अ नेसेसरी प्रोसीजर. आई कैन लिव विद दीज मार्क्स, आई कैन लिव विद माई स्कार्स एंड यू ऑल नो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली अपने एक्ने मार्क्स एक्ने स्कार्स सब कुछ फ्लॉन्ट करती हूँ. आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन माई स्किन, बट इट्स जस्ट द फैक्ट दैट आई कैन गेट इट डन. तो आई एम लाइक करवा लेते हैं. बिकॉज फिर जब एज होती है ना, तभी विथ लाइक व्हेन आई एम इन माय 30s एंड ऑल, दिस विल डेवलप अ लॉट ऑफ फाइन लाइंस एंड इट विल गेट लाइक वर्स लुकिंग. लाइक अभी वो सिर्फ चत्ते दिख रहे हैं आप लोग को, बट विथ लाइक एज व्हेन फाइन लाइंस स्टार्ट टू सिंक इन, दे विल सिंक इन टू दीज एक्ने मार्क्स एंड लुक लाइक इवन मोर लाइक नॉट सरफेस यू नो. तो इसलिए मैं करा रही हूँ कि मतलब लेटर ऑन it should look better kind of thing. And Sakshi is gonna come there. She's my new assistant manager and you're gonna get to meet her also. She's fab. Yeah, 11:15 or 11:30 is my appointment. Like last time, meri skin dekh lo acche se ekdam. Sare marks. A few minutes later. To wait for half an hour till basically this is I'll keep it in this, make it stand for around half an hour, then I'll centrifuge it for 10 minutes. Basically then it is prepped up for use. It's not for testing, it's only for use. Using the plasma. I'm using your blood in your body, no? So right. I don't need to test. They've drawn my blood for the PRP. Thank you. Half an hour I have to wait till the plasma settles in my blood. So they use your own plasma, of course, for your own treatment. When we incision karenge for the acne marks, tabhi they will put that PRP also. I'm doing it for the first time. I've never even seen somebody get PRP. I think I've seen in KEM, but that was for completely different reasons, not cosmetic procedures. This is where you can see my scars better. Mere ghar pe nahi dikhega. Sakshi is here. Sakshi, say hi. Thank you.
मुझे सिर्फ तब दुखा जब एनेस्थीसिया का प्रिक हुआ. दैट वाज द इट्स लाइक टैटू करने जैसा. दैट प्रिक वाज लाइक अ टैटू एंड लेस देन अ टैटू आल्सो एक्चुअली. एंड देन आफ्टर दैट नथिंग. आई कुड ओनली फील हिज हैंड ऑन माय हेड. आइस भी फील नहीं हो रहा है. आपको सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर लगाना ही है रोज. तो आपको लेनी और रात में मॉइस्चराइजर और ये हेलोकॉन 7 days. हाँ 7 days. और धूप से अवॉइड कीजिए. मतलब नॉर्मल भी सनलाइट भी थोड़ा इतना मत गिरने दीजिए. ओके ओके. गर्म पानी नहीं लगाना है. स्क्रबिंग नहीं करना है. और आपको सोप ये सब 2-3 दिन मत यूज करें. बेटर रहेगा. नो सोप नो स्क्रबिंग. थोड़ा जिम में भी आज के दिन मत जाइए. घर पे जाके सब. अभी आप कहाँ जा रहे हो? हाँ तो गाड़ी में भी आपको ना जाओगे ना तो आपको जैसे मतलब इचिंग इचिंग या कुछ होगा तो इचिंग नहीं करना है. ओके. वो नॉर्मल ही है. ओके. A few hours later. There's more swelling on this side than there's this side. You reached home? Don't talk. I can talk. I just look full out. What face you did? Yeah, both the cheeks. One eye looks bigger than the other, na? All this, what did they do? They did a filling or what? First they give you anesthesia, then he does like subcision RF, that is radio frequency, to break the fibrous tissue. No, it's permanent. This is not fillers, na. It's permanent, it's a treatment. So after it's done in 4 to 6 weeks, again you have to repeat so that better improvement. After 4 sessions of that, you can stop. Basically, mine is not that bad, na. So, yeah. Chickenpox ones also, he said thoda better hoga. A little longer than a few minutes later. It has to be a perfect fit, so it looks custom to them. We have all the sizes. Swelling is looking much better, guys. This white thing, I've put a lot of sunscreen and ointment. And I had one antihistamine after my lunch. So, jitni bhi swelling thi. Is side pe zyada swelling as opposed to this side. So, when I was doing this, it was like unnaturally getting pressed. Because ye side zyada stretch ho raha hai. Aur abhi bhi thoda like altered sensorium hai. Thoda numbness hai. But wo chala jayega time ke saath. And I think swelling, the doctor said like 3 days it will take for the swelling to go. Which is still less downtime as opposed to microderma needling. Jo mere previous dermat ne bola tha microderma needling. Uska downtime was 1 week. Abhi the laser that they've done na. For that the technician told me ke scarring okay peel off hoga. So I'm waiting for that all to happen only. Then once my skin is completely healed, I will apply makeup. So aaj Sakshi aur maine baith ke pura planning kar diya week ka kaise hum shoot karenge everything, content plan and all. Made some spicy ramen and manifest ka last season chalu hai. Iska na abhi thoda sa aisa ho raha hai, meko itna nahi jam raha hai show, but ab main dekhne ke liye dekh ke khatam kar rahi hu. And Faju sitting there with plan babies. Later that same evening. Instead of washing my face, the sunscreen and everything off, I'm just like icing it. So the swelling also goes down and all the sunscreen and Elocon will also melt. Doctor said I can do ice as much as I want. Take the normal ice and do it. The cubic. I think I need tissue paper. It's becoming too numb. Tissue paper? Why are you barking, Shuna? What do you want? We're watching Coffee with Karan. Finally, mera Disney Hotstar chalne laga and I can catch up on the episodes.
The next morning. It's Sunday morning and exactly 24 hours ho gaya treatment kara ke. Sujan kafi hai. I've taken all the medicines in the morning. Usme ek sujan kam karne ki dawai bhi hai. And I've put all the ointments that they've given me. So, jo entry point tha na treatment ka, matlab where he put the syringe, udhar he's given me an antibiotic ointment and overall he's given me a calming ointment and sunscreen lagana compulsory of course. Bohat redness, inflammation hai and if you can see na carefully, laser ka jo probe hai, uske marks उसके छाप जैसी आ रही है. स्क्वायर 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 दिख रहा है आपको? ये सारा वो लेजर प्रोब का छाप है. ये देखो, ये सब जो है ना वो लेजर प्रोब का छाप है. तो ये तो डॉक्टर ने मुझे पहले ही बताया था बिफोर द ट्रीटमेंट स्टार्टेड एंड वन डे जब कंसल्ट के लिए गई थी दैट व्हेन द लेजर का दिस हैपेंस उसके बाद ये सूख के गिरेगा एंड इट विल लाइक बराबर जैसे स्कैब फॉर्म होके गिरता है ना वैसा. तो दिस ऑइंटमेंट वाला ट्रीटमेंट हैज टू बी कंटिन्यूड फॉर 7 days. दैट मीन्स वन फुल वीक का हीलिंग प्रोसेस है बट स्वेलिंग ही टोल्ड मी 3 days में कम हो जाएगा. दिस चीक इज अ लॉट मोर स्वोलन देन दिस चीक इज. दिस चीक लाइक आई कैन फील दैट heaviness and numbness from inside also and it's slightly painful. Like if I, like in the morning today I washed my face, not with soap, just with water. I splashed water and that ऐसा हुआ मुझे एंड अब तक नहीं हो रहा था. मतलब कल काफी नमनेस जैसा ही था बट आज वो कल तो एनेस्थीसिया का इफेक्ट था. आज थोड़ा वो सेंसिटिविटी वो सब फील हो रहा है. तो आई कांट लुक एट माय सेल्फ इन द दिस. आई एम नॉट व्लॉगिंग दैट मच. आई एम जस्ट स्टेइंग एट होम टुडे संडे फिनिशिंग सम एडिट्स एंड जस्ट गेटिंग माय वीक टुगेदर ऑल ऑफ दैट. गोना वॉच अ लॉट ऑफ नेटफ्लिक्स. मसाबा मसाबा स्टार्ट किया है मैंने. आई एम नॉट मूविंग घर से एट ऑल. कल रात को कृष्णा आई थी तो हम गप्पे लड़ा रहे थे बहुत लेट तक. मुझे ये सूझा हुआ चेहरा लेके बाहर नहीं जाना बिकॉज पॉल्यूशन एंड ऑल. आई कांट लेट एनीथिंग लाइक stick to my face. I'm just sitting AC mein ghar pe only to just let this settle down, calm down and then we can actually see the effect of it. So far so good. Main isliye bol sakti hu because jo bhi ho raha hai meri skin ke sath at the moment ye sab mujhe doctor ne pehle se bataya tha. The swelling will happen for 3 days, the scab formation, the laser probe marks, the redness, sab mujhe matlab acche se educate kiya tha. So my brain was prepared to be facing this and I planned my work and weeks exactly like this ke aisa face hoga, makeup itne din nahi laga sakte, all of that. He told me 3 days you can't apply makeup, then I can apply makeup but I'm gonna avoid for all the 7 days because it's best if I let my skin really heal. Na paisa dal rahe itna matlab mehnat se kar rahi ho to I might as well let it you know heal properly and not fidget with it because makeup lagana actually mujhe problem nahi lagta kabhi bhi but jab hum nikalne jate hai na to that time bahut friction hota hai skin ke sath. Jahan itna redness aur sensitivity hai skin pe I think it's best to like just avoid the procedure of removing makeup right now. Jahan main soap nahi use kar rahi aur you know it makes sense. 1 hour later. Bell is off. You expected me to come way later than yeah how are you on 2 o'clock? I'm 1 hour late but I'm still like 1 hour early. His reaction to I didn't do just PRP. I did substational RF. That's radio frequency. And I did PRP and I did laser all in one. How is your face on your neck? Is my question. It's hurting now. PRP is so painful. I know, but anesthesia helps. Like yesterday, I was numb. I went to a new doctor. I went to Gurjot Mara because she doesn't do substational RF. Vindhya does microdermani. You're asking me what to order. Yeah, because you're very decisive. You're my only friend who's decisive with food. Should we order Fable? Yeah. Pasta sounds pizza. Good, yeah. एग्जैक्टली एक हफ्ते के बाद का चेक इन है. आज संडे है. मैंने सैटरडे को ट्रीटमेंट कराया था लास्ट सैटरडे को. तो एग्जैक्टली 8 days हो गए हैं और सारी स्वेलिंग उतर गई. थैंक गॉड इट टुक 4 days फॉर माई स्वेलिंग टू गो डाउन. अच्छे से ये गाल पे ज्यादा स्वेलिंग थी और ये गाल पे कम बट अभी पूरा उतर चुका है. आई टुक माई मेडिसिन एंड एवरीथिंग प्रॉपरली. अभी नहा के निकली हूँ. मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है. दिस इज वॉट माई स्किन इज लुकिंग लाइक. आई एम गोना गिव यू अ ज़ूम इन. अभी भी अगर आप देखोगे तो लेजर के थोड़े डॉट्स इधर अभी भी है. पील ऑफ नहीं हुए. इट्स स्टिल येट टू फॉल. इधर भी थोड़ा सा लेजर का है. ओनली दिस मच पोर्शन ऑफ द लेजर इज लेफ्ट. पूरे चीक्स पे था बट वो सब जगह से चला गया. अभी सिर्फ इधर बचा हुआ है. एंड दिस इज माई एक्ने मार्क्स का कंडीशन. अगर मैं सच्ची सच्ची बोलूं तो मुझे ये गाल पे ज्यादा फर्क दिख रहा है एज अपोज टू दिस वन. ये गाल का थोड़ा सा आई फील लाइक सरफेस पे आ चुकी है स्किन. बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है. इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट ये गाल पे डेफिनेटली इफेक्ट दिख रहा है. वेयर एज दिस चीक लुक्स लाइक द सेम टू मी. ओवरऑल ये ट्रीटमेंट को टाइम तो लगेगा बिकॉज पीआरपी इज अ प्रोटीन रिच प्लाज्मा. इट जस्ट
एक्सेलरेट्स आपकी बॉडी का हीलिंग प्रोसेस एंड सेल प्रोलिफरेशन प्रोसेस. बट एक हफ्ते में तो कोई भी जादू नहीं हो सकता, तो एक हफ्ते में इतना फास्ट होके भी इतनी फास्ट स्किन डेवलप नहीं होगी. तो इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम फॉर दैट ट्रीटमेंट टू एक्ट. तो इसलिए 4 weeks का पीरियड होता है फॉर दिस ट्रीटमेंट टू एक्ट, एंड देन अगेन आफ्टर 4 weeks यू हैव टू डू इट. अभी मेरे पर्सनल ओपिनियन में एक सेशन के बाद मुझे स्लाइट एकदम आई वुड से लाइक 2% का डिफरेंस दिख रहा है स्किन में. ओवरऑल आई फील लाइक अगर मेकअप वगैरह लगाओ ना तो स्किन बहुत स्मूथ लग रही है, इतने पिट्स दिख नहीं रहे. अभी मेरे इतने डीप थे नहीं, बट फिर भी आई वुडंट से कि ड्रास्टिक इफेक्ट आया है. इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम बिकॉज पहली बात तो आपकी स्किन को टाइम लेता है हील होने के लिए. वॉट एवर देव डन दैट हैज ओनली एक्सेलरेटेड द हीलिंग प्रोसेस ऑफ माई स्किन. जो इतने सालों के स्कार्स पड़े हुए उसको अभी हील होने के लिए दे हैव लाइक एक्सेलरेटेड द प्रोसेस. तो 4 weeks इज द पीरियड ऑफ टाइम जहां आप रुक सकते हो और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन करा सकते हो 4 to 6 weeks. तो आई एम गोइंग टू वेट फॉर 4 to 6 weeks एंड लेट माई स्किन यू नो एक्चुअली टेक इन ऑल द गुडनेस फ्रॉम द पीआरपी ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग एंड कीप डूइंग इट्स हीलिंग प्रोसेस. एंड देन उसके बाद वापस सेकेंड सेशन आई कैन डू आफ्टर 4 to 6 weeks. इफ यू स्टे ट्यून्ड इन माई व्लॉग्स तो आपको देखने मिलेगा वेन एवर आई गो फॉर माई नेक्स्ट सेशन. एंड ओवरऑल आफ्टर आई फील लाइक वॉट 4 to 6 months आफ्टर डूइंग दिस 4 to 6 times देन आई थिंक बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने के चांसेस है. दैट्स वॉट द डॉक्टर हैज सेड. बट अगेन दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस. अगर आप में से किसी ने भी पहले किया है एंड यू हैव गॉन थ्रू द एंटायर 4 to 6 times ऑफ दिस देन लेट मी नो इन द कॉमेंट्स आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है. देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट दैट गोज ऑन दिस. डर्मा पेन, माइक्रो नीडलिंग, ये सारी चीजें होती है फॉर एक्ने मार्क्स रिमूवल. एंड अ लॉट ऑफ यूल वर गेसिंग दैट इन माई स्टोरीज ऑल्सो. तो मतलब आई एम गेसिंग कि यूल हैव ऑल्सो डन एंड ट्राइड ऑल दिस फॉर योर एक्ने मार्क्स. तो कॉमेंट्स में बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है या वुड यू ट्राई दिस फॉर योर सेल्फ. अभी आई डोंट नो इफ आई मेंशन्ड बट फॉर दिस वन सेशन ये पूरी 3 चीजों का मतलब आई डिड द सबसेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी, पीआरपी एज वेल एज द लेजर. फॉर दोज 3 things द पैकेज कॉस्ट वॉज 12,000 rupees फॉर वन सेशन. सो इफ आई डू इट अक्रॉस लाइक 4-5 times मोर देन आई थिंक अबाउट 50,000 इज वॉट आई एंड अप स्पेंडिंग फॉर माई स्किन रिसर्फेसिंग. तो या दैट्स द कॉस्ट पार्ट ऑफ इट. एंड आई विल लीव ऑल माई डॉक्टर्स डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए और इफ यू वॉन्ट फॉर अ कंसल्ट और इफ यू आर फ्रॉम द सेम एरिया एंड यू वॉन्ट गो. ही कम्स टू 3 areas. ही कम्स टू ओशीवरा, अंधेरी एंड बांद्रा. सो यू कैन ऑफकोर्स डिसाइड अकॉर्डिंगली. दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू ऑल एंजॉयड मेरा पूरा स्किन का जर्नी. आई एम एक्साइटेड एक्चुअली टू होपफुली इंशाल्लाह सी वॉट माई स्किन विल लुक लाइक से इन जनवरी और फेब्रुवरी बिकॉज दिस इज वन थिंग आई हैव ऑलवेज वॉन्ट टू डू फॉर माई स्किन. जब से मुझे सिस्टिक एक्ने आए थे कि आई रियली वॉन्टेड टू टेक केयर ऑफ माई स्कार्स. आई एम ग्लैड दैट आई एम फाइनली गेटिंग टू इट. इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू अ बिग थम्स अप. फॉर दिस वीडियो सारा स्कोर शॉट आउट गोज टू अनुश्री. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल. इफ यू वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट वीडियो सारा स्कोर शॉट आउट यू नो वॉट टू डू. हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन राइट नेक्स्ट टू इट एंड ऑल्सो लीव अ कमेंट डाउन बिलो सेइंग हैशटैग सारा स्कोर. एंड ये चांस टू बी पार्ट ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो सारा स्कोर शॉट आउट. आई विल सी यू गाइस वेरी सून इन अनदर वीडियो. बाय गाइस, लव यू.